दोस्तों, 1 अगस्त 1920 यानी आज ही के दिन बाल गंगाधर तिलक जिनकी डेथ हुई थी। आज दोस्तों न्यू एज इन्वेस्टर्स के लिए ये जानना बनता है कि कौन थे और इनसे हम इन्वेस्टमेंट की क्या सीख ले सकते हैं। दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक अ प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। सो फ्रेंड्स, बाल गंगाधर तिलक ही वॉज अ विजनरी लीडर, जर्नलिस्ट एंड सोशल रिफॉर्मर। बॉर्न इन 1856, दोस्तों इन्होंने बड़ा ही महत्व का रोल प्ले किया था इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस में। इनफैक्ट ब्रिटिशर्स इन्हें फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट भी कहते थे। फ्रेंड्स, ही बिलीव्ड इन द पावर ऑफ एजुकेशन एंड यूनिटी टू लिबरेट द कंट्री फ्रॉम ब्रिटिश ऑपरेशन। दोस्तों इन्होंने अपने करेज, प्रिजर्वेंस और अनवेवरिंग कन्विक्शन से दोस्तों करोड़ों भारतीयों को उस समय आजादी की मूवमेंट में दोस्तों शामिल किया था। यस फ्रेंड्स, ही वॉज अ ट्रू चैंपियन ऑफ द पीपल, एडवोकेटिंग फॉर नेशनल प्राइड, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड सोशल वेलफेयर। यस दोस्तों, इन्हें बिलव्ड लीडर ऑफ द पीपल कहा जाता था, इसीलिए इनको क्या बिरुद दिया था दोस्तों, लोकमान्य यानी लोगों के चहेते। सो लोकमान्य तिलक यानी यस आपके बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों इनकी कही गई बात ज्वाला बन चुकी थी, जो थी स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। दोस्तों ये बात पूरे भारत में दोस्तों फैल चुकी थी। दोस्तों इनकी लाइफ लर्निंग से एक इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टमेंट की लाइफ में क्या बदलाव ला सकता है, दोस्तों आज हम शेयर बाजार के गणित, शेयर बाजार के इन्वेस्टमेंट को बाल गंगाधर तिलक जी के प्रिंसिपल से दोस्तों एड करके दोस्तों देखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों पहला प्रिंसिपल है करेज एंड कन्विक्शंस। जी दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक वॉज नोन फॉर हिज करेज एंड अनवेवरिंग कन्विक्शन इन हिज बिलीफ। दोस्तों वो जाने जाते थे अपने करेज और अनवेवरिंग कन्विक्शन के लिए। फ्रेंड्स, सिमिलरली इन द स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर शुड हैव द करेज टू स्टिक टू देयर वेल थॉट आउट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज इवन ड्यूरिंग वोलेटाइल टाइम्स। दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ सोच के इन्वेस्ट करते हैं, फिर जैसे कुछ बुरा समय आता है अपने वही सोच को हम भूल जाते हैं। यस दोस्तों, वोलेटाइल टाइम पे भी अपनी वेल थॉट आउट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी पे जो आप चले हुए हो दोस्तों उस पे स्टिक रहना जरूरी है। इट्स क्रूशियल नॉट टू बी स्वेड बाय शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस बट टू ट्रस्ट इन वेल रिसर्च डिसीजन एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। दोस्तों आप लोगों ने जो अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को ध्यान में रख के जो वेल रिसर्च डिसीजन लिए हुए है दोस्तों, वो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन से घबरा के उसमें से बाहर निकल जाना कोई ठीक बात नहीं है। दोस्तों अपने लॉन्ग टर्म विजन को जो आपने बनाया हुआ है उस पे कंटिन्यू चलते रहना चाहिए, राइट। सेकंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, पेशेंस एंड प्रिजर्वेंस। यस फ्रेंड्स, तिलक स्ट्रगल फॉर इंडिया फ्रीडम स्पैंड सेवरल डिकेड्स। इन्होंने जो आजादी के लिए जो मूवमेंट शुरू की थी वो दोस्तों कोई इंट्राडे नहीं थी, कोई एक दो तीन दिन के लिए नहीं थी, कुछ महीनों के लिए नहीं थी। दोस्तों ये डिकेड्स तक ये आजादी की मूवमेंट चली थी। शोइंग हिज प्रिजर्वेंस इन द फेस ऑफ चैलेंजेस, और ये रास्ता इतना आसान भी नहीं होगा दोस्तों, बहुत मुश्किल समय भी बीच में आए होंगे। दोस्तों ठीक ऐसा ही इन्वेस्टमेंट में भी होता है कि नहीं होता दोस्तों, राइट। सिमिलरली इन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट पेशेंस इज अ वर्च्यू। सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स अंडरस्टैंड दैट मार्केट गो थ्रू साइकल्स एंड इट्स एसेंशियल्स टू स्टे इन्वेस्टेड एंड वेदर द अप्स एंड डाउन्स टू अचीव मीनिंगफुल रिटर्न ओवर द टाइम। दोस्तों बाजार में भी ठीक इसी प्रकार से बाजार अलग अलग साइकिल से गुजरता है, अच्छी साइकिल, बुरी साइकिल। दोस्तों जब बाजार की डाउन साइकिल आती है उसे भी समझे और हो सके तो उसका फायदा उठाए, पर ये ना समझे कि यस रातों रात पैसा बनता है बाजार में, राइट, कि मैं 2-3 महीने में बहुत माल कमा लूंगा, ऐसा नहीं है। दोस्तों इन्वेस्टमेंट भी एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मांगता है, राइट। थर्ड, नेशनल प्राइड एंड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। दोस्तों तिलक एम्फसाइज्ड द इंपोर्टेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस फॉर द नेशन। दोस्तों इसी प्रकार से इन्वेस्टर्स कैन अप्लाई दिस बाय फोकसिंग ऑन कंपनीज दैट कंट्रीब्यूट्स पॉजिटिवली टू द इकोनॉमी एंड हैव स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, राइट फ्रेंड्स। नेशन फर्स्ट, दोस्तों देश पहला, ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जो कंट्रीब्यूटर है आपके देश के लिए, दोस्तों उधर जरूर फोकस करना चाहिए। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स की कंपनी पे दोस्तों ध्यान दे। सपोर्टिंग बिजनेसेस दैट अलाइन विद द इन्वेस्टर्स वैल्यू एंड लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ कैन बी रिवॉर्डिंग। दोस्तों ऐसी कंपनियां जिसे ना नेशन की वैल्यू है ना कॉर्पोरेट गवर्नेंस की वैल्यू है, दोस्तों ऐसी कंपनियों से दोस्तों दूर रहे।
फोर्थ प्रिंसिपल एजुकेशन एंड नॉलेज. यस, बाल गंगाधर तिलक वॉज एन एडवोकेट ऑफ एजुकेशन एंड बिलीव्ड इन एम्पावरिंग पीपल थ्रू नॉलेज. दोस्तों ठीक उसी प्रकार से इन द स्टॉक मार्केट एजुकेशन इज वाइटल एज वेल. दोस्तों एजुकेशन लिए बगैर जब हम लोग काम करते हैं बाजार में, दोस्तों बड़ा रिस्की हो जाता है, क्योंकि आप मैं हम सब लोगों ने एजुकेशन लिया है, पर हमने अपनी फील्ड में लिया है. दोस्तों स्टॉक मार्केट का भी तो एजुकेशन लेना पड़ेगा. इन्वेस्टर्स शुड टेक द टाइम टू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मार्केट ट्रेंड एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज. दोस्तों लोगों के पास टाइम ही नहीं होता है रिजल्ट पढ़ने का, राइट. The more informed an investor is, the better equipped they are to make sound decision. दोस्तों दोस्तों वही इन्वेस्टर डरा हुआ होता है, वही इन्वेस्टर को डर लगता है, घबराया हुआ होता है, जो दोस्तों एनालिसिस नहीं करता है, जो दूसरों पे डिपेंड रहता है, राइट. एंड फिफ्थ, डाइवर्सिफिकेशन. सो बाल गंगाधर तिलक अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी ऑफ इंडियाज प्रोग्रेस. सिमिलरली इन्वेस्टर शुड डाइवर्सिफाई देयर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो टू रिड्यूस रिस्क. दोस्तों अलग अलग इंडस्ट्री में डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए, जहां पे ग्रोथ हो, अलग अलग कंपनीज में डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए, इनफैक्ट रीजन में डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए दोस्तों, राइट. हम बहुत बार कहते हैं कि कोई एक ही रीजन में, फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी है जो खाली गुजरात बेस है दोस्तों रिस्क है, कोई कंपनी है खाली तमिलनाडु बेस है रिस्क है. नेशन वाइड ऑपरेशन हो तो आपका रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है, राइट. सो डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस वेरियस सेक्टर इंडस्ट्रीज एंड एसेट क्लासेस कैन हेल्प सेफगार्ड against significant losses in case of adverse event. दोस्तों unsystematic risk और systematic risk आने वाले समय में आपके सामने आने ही वाला है. ऐसे में अगर हम वेयर डाइवर्सिफाइड होंगे सेक्टर्स में, इंडस्ट्रीज में, असेट क्लासेस में, तो दोस्तों हम अपने आप को सेफ गार्ड कर सकते हैं उस समय एडवर्स सिचुएशन से, राइट. सिक्स्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट, एडेप्टेबिलिटी. फ्रेंड्स तिलक एडेप्टेड हिज स्ट्रेटेजीज टू द चेंजिंग पॉलिटिकल क्लाइमेट. In stock market investing, adaptability is crucial too. Market conditions are constantly changing and successful investors adjust their approach when needed. Staying flexible and open to new opportunities is essential for long-term success. दोस्तों ये हो सकता है कि यस आप पॉजिटिव थे कोई सेक्टर पे, ये हो सकता है कि कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस से वो सेक्टर में हो सकता है लॉन्ग टर्म वो ग्रोथ ना आए जो आपने उम्मीद किया हो. तो दोस्तों क्या करना चाहिए, आपको उस समय एक्शन लेना पड़ेगा, राइट. तो ऐसी कोई भी चेंजेस हो दोस्तों उसे एडेप्ट करें, जो नए चेंजेस आ रहे हैं उसे समझे, और दोस्तों फ्लेक्सिबल रहे ऐसी अपॉर्चुनिटीज के लिए, राइट. हमने कभी नहीं सोचा था कि डिजिटल एडवर्टाइजमेंट भी एक बड़ी इंडस्ट्री बनेगी, क्योंकि इनिशियली तो ब्रॉडकास्टिंग और न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट थी. देखो एक नई इंडस्ट्री आई तो हमें भी तो चेंज होके एडेप्ट करना पड़ेगा, वो इंडस्ट्री को समझना पड़ेगा, वहां पे भी दोस्तों इन्वेस्ट करना पड़ेगा, राइट. ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, फूड फ्रॉम होम, ड्रोन टेक, मैपिंग, दोस्तों नई नई कई इंडस्ट्री आती चली गई. रेस्टोरेंट भी एक ऐसी इंडस्ट्री जो लेट आई, ऑर्गेनाइज रेस्टोरेंट की मैं बात कर रहा हूँ. दोस्तों डाइवर्सिफाइड रिटेल जो आप स्टोर्स देख रहे हो, अब ये सब इंडस्ट्री वो टाइम पे नहीं थी जब हम लोग इन्वेस्ट करते थे शुरुआत में. तो कुछ नई इंडस्ट्रीज आएगी, कुछ चेंज लाएगी, दोस्तों उसे भी हमें एडेप्ट करना पड़ेगा, राइट. सेवंथ, पब्लिक इंटरेस्ट एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. जी हाँ दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. तिलक वॉज डीपली कमिटेड टू द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. इन्वेस्टर भी दोस्तों ठीक इसी प्रकार से कैन एडॉप्ट अ सिमिलर अप्रोच बाय कंसीडरिंग एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस फैक्टर्स इन देयर इन्वेस्टमेंट डिसीजन. दोस्तों ईएसजी, यस दोस्तों आज एक्सचेंज ने ईएसजी नाम का एक इंडेक्स भी बनाया हुआ है जो आपके आने वाले कल के नेचर को ध्यान में रखता है दोस्तों, राइट. इन्वेस्टिंग इन कंपनीज विद सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस कैन नॉट ओनली अलाइन विद पर्सनल वैल्यूज बट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू बेटर वर्ल्ड. दोस्तों ये वो कंपनी है जो कंपनी की तो वैल्यूएशन बढ़ाती है, बैलेंस शीट बढ़ाती है, साथ में कंट्री को भी दोस्तों फायदा हो ऐसा काम करती है, राइट. एट, लीडरशिप एंड इन्फ्लुएंस. तिलक लीडरशिप एंड अबिलिटी टू इंस्पायर पीपल वर रिमार्केबल. दोस्तों सोचो आज आप 103 साल बाद उनकी डेथ के जो 103 ईयर हुए तो भी आज आप लोग उनको याद कर रहे हैं. दोस्तों ठीक उसी प्रकार से स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में भी लीडर्स इन फाइनेंशियल इंडस्ट्री कैन यूज देयर इन्फ्लुएंस रिस्पॉन्सिबली By promoting ethical practice, transparency and investor education. दोस्तों ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, जो अलग अलग फील्ड में टीचर सिखाते हैं. दोस्तों मार्शल आर्ट में भी ये चीज सिखाई जाती है कि आप मार्शल आर्ट में माहिर हो रहे हो, इसको गलत जगह पे यूज नहीं करने का, राइट. सेम थिंग इन स्टॉक मार्केट. दोस्तों स्टॉक मार्केट में आप लोग इतना बढ़िया सीखे, इतने आगे बढ़ रहे हो, आगे जो न्यू एज जो नए इन्वेस्टर आए दोस्तों उनको भी आपको क्या सिखाना चाहिए दोस्तों,
एथिकल प्रैक्टिसेस, ट्रांसपेरेंसी और सही चीजें दोस्तों, ऐसा नहीं कि उनको सीखनी है कोई गलत चीजें जो वैसे भी उनको प्रॉफिट करके नहीं देने वाली है, पर हाँ उसमें मुझे बहुत अच्छे पैसे मिलते तो मैं वही सिखाऊंगा। और ऐसी चीजें जो लोगों के लिए जरूरी है, जो वेल्थ के लिए जरूरी है, जिसमें ज्यादा इन्वेस्टर को इंटरेस्ट नहीं होता है, पर फिर हम वो नहीं सिखाए और वो सिखाए जो सिर्फ स्पेकुलेशन में काम आता है, जहां पे लोग नुकसान करने वाले, तो दोस्तों ये भी ठीक बात नहीं है। सीख के प्रॉपर वे में उसको इंप्लीमेंट करें और लोगों को भी सही चीज सिखाए दोस्तों, राइट। सो रिमेंबर फ्रेंड्स, इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट इन्वॉल्व्स रिस्क। दोस्तों रिस्क इस चीज का है क्योंकि बार बार लोग भटक जाते हैं, राइट। देयर आर नो गारंटी ऑफ रिटर्न्स। गारंटी तो दोस्तों आपके एफडी में होती है, पर वो स्टैटिक होती है, राइट। स्टॉक मार्केट में दोस्तों आपको कभी -20 रिटर्न देखने को मिलते हैं एक साल में, कभी एक साल में +20 देखने को मिलते हैं। ये सारी चीज देखने को मिलेगी दोस्तों, तो यहाँ पे गारंटेड रिटर्न नहीं है। However, by incorporating the above principle inspired by Bal Gangadhar Tilak, investor can build a strong foundation and approach their investment journey with a sense of purpose and responsibility. Right or wrong, friends? दोस्तों अच्छी बात लगी हो, share कीजिएगा लोगों के साथ, right? So thank you very much, and it's all from Profit From It. Jai Hind to everybody, दोस्तों.